अच्छा मैं कुछ बोलूं, मुझे 2 मिनट चाहिए फिर मैं चला जाऊंगा। देखें मैं आया हूं औरतों के हकूक पे बात करने जो इस्लाम ने दिए हैं, हाँ ठीक है, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। देखिए ये एक तरह का ना गलत फैलाया जा रहा है मुल्दीन की तरफ से कि इस्लाम ने औरतों को हकूक नहीं दिया। यूनिवर्सल ब्यूटी, मेरी बात पे आप यकीनन अग्री करेंगे। क्यों? देखो जैसे सूरह निसा है, मैं आपको साबित करता हूँ कि अल्लाह ने औरतों को कितने हकूक दिए। सूरह निसा है उसकी आयत नंबर 3 में औरत को यह हक दिया गया है कि मर्द 4 बीवियां रख सकता है। ठीक है, ये एक हक हो गया कि सूरह निसा आयत नंबर 3 में, मुझे काटिएगा नहीं वरना वो टूट जाएगा तसलसुल, कि सूरह निसा की आयत नंबर 3 में औरतों को यह हक दिया गया है कि मर्द 4 बीवियां रख सकता है और औरत एक हक रख सकती है। इसी तरह औरत को एक और भी हक दिया गया है सूरह निसा की आयत नंबर 11 में। नहीं रिपीट करें आप। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि औरत का ये हक दिया गया है आयत नंबर 3 में सूरह निसा में कि मर्द 4 बीवियां रख सकता है। ये औरतों को हकूक मिला हुआ है। आप अग्री करते हैं? हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। नहीं आप अग्री करते हैं इस वाले हक से? आगे बढ़िए आगे बढ़िए आप, पहले एक 1 by 1 चले ना, 1 by 1 चलें। आप यकीन रखते हैं आप ऐसा छोटे बच्चों को जैसा क्वेश्चन जो ना यस और नो। अच्छा दूसरा हक है कि सूरह निसा की आयत नंबर 11 में औरतों को ये भी हकूक मिले हैं कि एक मर्द की जो वरासत होगी वो 2 औरतों के बराबर होगी। ये भी अल्लाह ने औरतों को फायदा दिया है। ठीक है कि मर्द औरत की वरासत आधी है, मर्द की वरासत पूरी है, ये भी अल्लाह ने हक दिया। यही तो बात है कि लोग सही बताते नहीं है, इसलिए तो मुसलमान औरतें इस्लाम को पसंद करती हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के इस्लाम कबूल कर लूं। हाँ औरत अपने शौहर की और हकूक सुन लें, और हकूक सुन लें यूनिवर्सल साहब देखें। अब आ जाओ उस पर हकूक। इसी तरह आयत नंबर जो 34 है ना सूरह निसा की, उसमें भी औरतों को सबसे बड़ा हकूक दिया गया है कि मर्द औरत की पिटाई कर सकता है। ये भी हुकूक बस हो, आप जो बोल रहा है उस पे फोकस करें ना। हाँ आप सुने ना, मैं जब भी ना देखें जब भी तो मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इतने सारे हकूक जब औरतों को मिले हैं तो मैं क्यों ना मानूं? जैसे सूरह निसा के आयत 34 में औरतों को हकूक मिले कि मर्दों की पिटाई कर सकते। ठीक है, एक और हकूक बड़ा जबरदस्त है सूरह निसा की जो सूरह निसा नहीं, आपकी आवाज कट रही है अब आ रही है मुझे? हाँ अब बेहतर। ओ अच्छा मैं बैठ जाता हूँ, मैं जज्बाती हो गया था। हाँ चैप्टर 23 में एक और और एक मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो हकूक मिला है ना सूरह निसा नहीं। यार आप बार बार इस लफ्ज़ को करेक्ट नहीं करें। अगर आप इस्लाम भी कबूल करें ना तो आप जो ना इस्लाम पर नहीं चल सकते, एक लफ्ज सही नहीं बोल सक रहे आप। तो इस्लाम में कौन सा हकूक है? इस्लाम तो है यूनिवर्सल, आप इरिटेट कर रहे हैं मुझे। और इस्लाम उर्दू में आया है तो आप तो यार आप वो इस्लाम पर कैसे चल सकते हो? आप इरिटेट कर रहे हैं। मैं कई बार करेक्ट करा नहीं है। अब यार इससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो आपको समझ में आ रही है ना यार, क्या बात कर रहे हैं? राइट्स बोल देता हूँ, आप भूल जाते हो ना। अच्छा राइट्स बोल देता हूँ। अच्छा यार आप इरिटेट कर रहे हैं। मैं एक लफ्ज अगर नहीं सही बोल पा रहा हूँ तो उसका क्या मतलब? बात नहीं समझ रहे। अगर मैं पानी को मम कह दूं समझ तो जाएंगे ना पानी है। यार क्या हो गया यार? नहीं तो फिर इनको कहो ना ये सारी चीजें अरबिक में बोलें क्योंकि अरबिक में है, उर्दू में। अब मजा नहीं आ रहा, आप मजा नहीं आ रहा। नहीं आप कितना इताअत गुजार हो सकते हैं अगर इस्लाम कबूल भी करे तो? यार अब मालूम मेरे, अच्छा मैं हकूक बोलूं बात तो समझ में आ रही है, आप बात काटे जा रहे हैं आप। यार आप अब सुने मेरी बात, अब सुने। अच्छा आपने सारा मेरा मूड का ना, आपने मूड का सत्यानाश कर दिया। एक ही लफ्ज को करेक्ट किए जा रहे हैं, बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा अब ये देखो एक और राइट्स। अब हकूक, अब मैं हकूक ही बोलूंगा, चुपचाप करेक्ट मत कीजिएगा प्लीज सर। अब चैप्टर 23 है। मैं गलत क्यों सुनूं भाई? तो राइट्स बोल दूं? राइट्स सही है, बोलिए चलो। हाँ तो भाई चैप्टर 23 में औरतों को जो सबसे बड़ा माली राइट्स मिला है ना कि मर्द लॉन्डी से डिंग डोंग कर सकता है, ये जबरदस्त राइट्स। लॉन्डी लफ्ज ही नहीं है कुरान में। ममलिकत है ना वो जो लफ्ज पोजेशन वाला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, क्या है अच्छा क्या वर्ड है आप बताएं, आप ही मालूम करो, क्यों मैं जो ना लफ्ज दे के जो ना आपको फिर जवाब देने का मौका दूं, हाँ काटने का मौका दूं। एक सेकंड सब्र करो, मैं दिखाता हूं। आप रिसर्च करके आइए। नहीं मुझे पता है, मैं मिल्क की बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। लफ्ज लौंडी आप बता दें मेरे को, आप लौंडी लौंडी कर रहे हैं, वो तो लौंडी जो ना यहाँ पे बोला जाता है उर्दू में, एक इज्जतदार औरत को आप लौंडी बोल रहे हैं, गाली दे रहे आप। भाई सुन लें, ये लफ्ज मैंने निकाल लिया है मलकत, यानी जो आपकी मलकियत में हो, वॉर में जो मलकियत नहीं ना, हाँ नहीं मलकियत नहीं, आपकी बीवी बन जाती है, आपकी बीवी आपकी रिश्तेदार बन जाती है। इसमें औरत की मर्जी होती है, औरत की मर्जी हो तो रिश्तेदार बनते ना। लो बगैर ये क्या बात कर दी, सारे तर्जुमे में साफ लिखा हुआ है लॉन्डी, और जो आपके हाथ का माल हो, हाथ का माल और बाजार में है, आप बाजार में किसी औरत को जाती औरत को मलकत और एक बना सकते हो तो आप एक सेकंड। पूरी हदीसों में मालिज लफ्ज लॉन्डी इस्तेमाल हुआ है, पूरी हदीसों में लॉन्डी लफ्ज ही नहीं है वहां पे भाई। वो लॉन्डी है, स्लेव गर्ल नहीं होती है वो लॉन्डी। हाँ आप गलत तर्जुमा करके, आप गलत तर्जुमा करके उसको जो ना आज की प्रोस्टिट्यूट के बराबर कर दे रहे आप। लॉन्डी उस वक्त था वो तो आप नहीं किया ना वहाँ पे कोई। अच्छा मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ मालिक, देखें एक मिनट। यूनिवर्सल लिखा हुआ है इल्ला आला अज़वाजिहिम, यानी ज़ौज औरत बीवी, आगे लिखा है जोड़ा जोड़ा, ज़ौज नहीं जोड़ा। वो देखो यार अब आप भाई आपसे तो बात ही नहीं हो पा रही है यार, मैं बता रही हूँ ना बस। तो नेक्स्ट कॉल लेते हैं, मजा नहीं आ रहा आपसे। आपने अब आगे साफ लिखा हुआ है अज़वाजिहिम कर रहा हूं तो आपको आपको बुरा लग रहा, ये इसकी ट्रांसलेशन क्या बुरा लग रहा है। आप एक मोमिन को बुला के धो देते हैं आप, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर करेक्ट किया तो आपको बुरा लग रहा। नहीं आप गलत बोल रहे हैं ना, मगर है कि आप जो है उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, नहीं ऐसी नहीं है, नहीं वैसी नहीं है। मालिक जी मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी हर बात में गौर कर रहा हूँ, मैं जो ना करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताइए कि ये सारी ट्रांसलेशंस क्या फिर गलत हैं? ये जिन लोगों ने दिखाया यही दिखाया मालिक, यही था लॉन्ड्री वाला, आपने सही निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है, तर्जुमा गलत किया गया है। एक मिनट, अगर तो अल्लाह क्यों नहीं रोक सका इस तर्जुमे गलत को? एक सेकेंड, अल्लाह अगर कायनात का मालिक है, इतना बेबस है अल्लाह, क्या यार आप कैसी बात करते हो यार। अल्लाह ताला तुम्हारी सांस कब्ज करके रोक लेता है और मगर तर्जुमा नहीं रोक सकता। ये देखो सांस करके कब्जा रोक लेता, तर्जुमा नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला इब्लीस को मोहलत दे रखा है, आजादी दे रखा है भाई। हाँ लेकिन फौरन नहीं पकड़ता। अच्छा वो फौरन नहीं पकड़ता, बस हाँ फिर सही है, वो फौरन नहीं पकड़ता। भैया इनसे तो इनसे नहीं कोई जीत सकता, ये जो है ना वो हर चीज की जो है ये जीत रहे हैं। हाँ बहुत जीत रहे वाकई में। नहीं मैं ये नेक्स्ट कॉल लेते हैं, मगर देखो आप बात देखो ये निकाल दें। अच्छा, ये क्या है आप थोड़ा बड़ा करें या हो सकता बड़ा। हाँ देखो हाँ। इसमें क्या लिखा हुआ है पहला है वल्लज़ीना हुमुल फ़ुरूजहुम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। और दूसरी आयत पे लिखा हुआ है इन्नला अज़वाजिहिम, और मलकत यानी जो आपकी मलकियत में होता है मालिज, औरत जो आपकी मलकियत में हो। वाई आर यू कटिंग मी यार, Why are you cutting? बोलिए यार, you keep cutting। अच्छा ये लिखा हुआ है इन्ना अला अज़वाजिहिम व मलकत। अब मलकत जो है ना वो आपकी मलकियत में चीज क्या होती है, औरत की बात हो रही है। अब उसको हम क्या कहें, और लॉन्डी नहीं बोले तो और क्या बोले, इसका तर्जुमा लिखा हुआ है। अब सुनिएगा, मगर अपनी बीवियों यानी अपनी शर्मगाह की, अपने डंडा तलवार जो भी है ना उनकी हिफाजत करो, एक्सेप्ट किसके, अपनी बीवियों को और या लॉन्डियों पर। इसलिए कि फिर आप कुरान की आयत भी पढ़ रहे हैं, नहीं सुनो, कुरान की आयत भी पढ़ रहे हैं, साथ में जो ना वो तलवार और डंडा बोल रहे हैं, तो जो ना आप बताइए आप शर्मगाह क्या होता है? अबे भाई शर्मगाह में तलवार नहीं आती। आप अपने उससे कितने लोगों को काट दिए गर्दन, बोलिए आप। अपने शर्मगाह से प्राइवेट पार्ट से आपने प्राइवेट पार्ट में कितने लोगों की गर्दन काट दिया आपने। यार ये पहली बात नहीं कंप्लीट करने दे रहे यार जी, आप जो है ना आप इतने बने हो नहीं, हमें पता है आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, हमें हम में से कोई नहीं खरीद रहा जो आप बेच रहे हो। हो सकता है खुद मोले दो, मुझे लगता है एथियस्ट हैं ये, मुझे लग रहा है यही रहा इनका खेलते हैं ये जितना आके एथियस्ट के पास घूमते हैं ना। ये मैं कैसे एथियस्ट हूँ, मैं जना कुरान का खारी हूँ, मुझे आगे कुरान का खारी हूँ मैं। चलो ठीक है यार आप बात काटते बहुत है। अच्छा बोलिए, करेंगे बात नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे आपसे बात जब हारिस और वो होंगे ना दोनों, क्योंकि मेरे तो दिमाग में ताकत नहीं है इन चीजों को, क्योंकि जस्ट चीज सामने लिखी हुई है और आप उसको झुटला रहे हो। जो ट्रांसलेशन लोगों ने किए आप झुटला रहे हैं, क्योंकि आप ये झुटला रहे हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन किए हैं, आप कह रहे हैं गलत। मैली जी, मैली जी आप जरा थोड़ा सा सोचे, इनको जब मैं करेक्ट किया, जब जो ना आप वो इस्लाम पर जो ना जो भी बोलते हैं तो मैं जो ना सुनूंगा, सुनते जाऊंगा, और जब जो ना इनके लिए मैं अगर कुछ करेक्ट करूंगा तो मेरे को फौरन जो निकाल दो। बड़े स्कॉलर हैं। नहीं आप करेक्ट नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। ये जो चूतिया लोग जिन्होंने पूरा कुरान ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश और उर्दू में, वो जाहिल लोग थे, उन्होंने गलत वर्ड लिखी हैं, वो सारे के सारे इंसान नहीं इंसान कितने एक आपसे भी तो गलत हो सकता है, एक ने गलती कर दी होगी, ये दो ने गलती कर दी होगी, तीन ने गलती कर दी होगी। अच्छा सुने मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, अगर गलत है, अगर गलत है तो आपके मौलवी हजरात सऊदी अरब ने अभी तक यही फतवा क्यों नहीं दिया हुआ कि इसको सही करो? वो तो मौलवी है इसलिए लिमिटेड, मैं मौलवी को भी नहीं मानता, नहीं मौलवी को भी नहीं मानता मैं, मगर जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ है वो लोगों ने क्यों नहीं करा? ऐसी बात नहीं है, अगर कोई चीज जरा सी भी गलत ट्रांसलेट हुई भी होगी ना आप लोग गले पे आ जाओगे, ऐसी बात नहीं है, आप लोग एक भी चीज को जाने नहीं। अरे नहीं छोड़ो, आप ऐसे ही बोल रहे हो, ये गलत नहीं है, आप अपनी ये गोल घुमाई घुमाई ना कि लॉन्ड्री का आजादी है, जो जो जैसे आजादी है, कोई आजादी नहीं है, कोई आजादी नहीं है, आजादी है तो फिर इस्लाम। अच्छा इस आजादी से लोग भटक रहे हैं, इस आजादी से हम मुलेद हो गए हैं पढ़ के, ये कैसी आजादी है? लोग चेंज हो रहे हैं। खादियानी जो ना, खादियानी गुलाम अहमद खादियानी को नबी बनाया किसने, किसने पकड़ा उसको, किस अरब कंट्री ने उसको पकड़ा, यहाँ तक कि ट्रांसलेशन भी कर दिया गलत, किसने पकड़ा? क्या हाल हो रहा है मुसलमान मुल्कों में, कौन कर रहा है? लोग कुरान का गलत ट्रांसलेशन किए हैं। आप मुझे तो फिर उन लोगों को पकड़ा है क्यों नहीं अभी तक? कौन पकड़े, किसको पकड़े? आजादी है, ऐसे नहीं पकड़, क्या आजादी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, आजादी है। आप लोगों के नबी के ऊपर कोई एक जरा सा कार्टून बना देता तो आप लोग गर्दनें काट देते हो उसकी, जिसके अच्छा कार्टून की बात, कार्टून की बात का जवाब दे दूं मैं? नहीं आप जवाब नहीं, बस मैं इतना लास्ट बात बोल रही हूँ, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। जिस बंदे की तस्वीर ही नहीं है, आप एक बना के बोल दो कि ये वो है तो लोग आपकी गर्दन काटने आ जाएंगे, आप बेवकूफ है वो। नहीं वो तो आप वो अच्छा वो ना हमें मत समझाइए ना, चले वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं जो फैमिली, ये मोमेंट तो नहीं है, इतना मेरे अंदर नहीं है, ही इज प्लेइंग, आई डोंट हैव दैट मच पेशेंस और स्टुपिडिटी। क्या आप जो है कहानी यहाँ से पकड़ो तो वहां से पकड़ो, ये वर्ड नहीं है वो नहीं है वर्ड, तो फिर आप सब कुछ अरबिक में पढ़ो ना, आप उर्दू में पढ़ क्यों रहे हो?